हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, मैं निकल रहा हूँ आज मथुरा, बहुत दिनों के बाद कहीं पे मतलब जा रहा हूँ। और मथुरा की होली तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस ट्रिप में मेरे साथ 4 से 5 लोग और जाने वाले थे, बट हुआ क्या कि वो सब एक दिन पहले ही निकल गए और मैं अकेला यहाँ पर रह गया। सो आज मैं जा रहा हूँ और कल सुबह 7 या 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा गोवर्धन स्टेशन पर। फिर वहाँ से जैसा भी होगा, कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कहाँ जाना है, वहाँ से कितनी दूर है, क्या कैसे होटल वगैरह, कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप के साथ जाने वाला था तो ग्रुप के सहारे ही था, मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। बट अभी देखते हैं क्या करना है। बस मैं निकल गया हूँ बैग लेकर और 11 बजे की मेरी ट्रेन है और 11 बजने वाला है, तो जल्दी चलते अंदर देखते हैं ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है एंड ट्रेन से चल के पहुँचते हैं मथुरा। लेट्स गो। ग्रुप के साथ जाने का प्लान था बट सब कुछ अगड़म पिघड़म बहुत गंदा वाला सीन हो गया मेरे साथ, मुझे अकेले ही मथुरा जाना पड़ रहा है और ऐसे जनरल वे डिब्बे में बैठकर। तो देखते हैं पूरी नाइट ऐसे बैठ के जाना पड़ेगा। स्लीपर वगैरह रहता तो आराम से लेट के जा सकता था, बट क्या ही बताएं, जिसने टिकट किया उसने बोला भाई तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो गया, तुम आराम से लेट के जा सकते हो। और यहाँ पे आज पता चला जनरल, गंदा वाला सीन। साढ़े 8 और मैं रात को कल 11 बजे बैठा था प्रयागराज स्टेशन से और मैं पहुंच चुका हूं गोवर्धन स्टेशन। ये मथुरा के थोड़ा से आगे पड़ता है ये स्टेशन। और अभी बहुत ही गंदा वाला सीन मेरे साथ हो गया है, मैं सावन को कॉल कर रहा हूं और वो बंदा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। मैं पिछले 1 घंटे से जब मथुरा स्टेशन पहुँच गया था तभी से मैंने उसको कॉल करना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी तक उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है यहाँ से। और बहुत गंदा वाला सीन हो गया यार, ग्रुप मतलब ग्रुप ट्रिप में बस यही होता है यार, मतलब क्या ही बताऊँ अब। और यहाँ के लोकल से पूछता हूँ कि यहाँ पर आज होली कहाँ पर होने वाली, कल लड्डू होली थी तो बरसाना में हुई थी, आज शायद लठमार होली है, तो पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर जाना पड़ेगा और होटल वगैरह सारा चीज़ मुझे देखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। बस यही बहुत गंदा वाला सीन हो गया है मेरे साथ, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अब आ गए हैं तो भाई क्या ही कर सकते हैं, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक दादाजी से मतलब उनसे पूछा कि आज यहाँ पर होली कहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बरसाना में हो रही है। और मैंने पूछा यहाँ से कितनी दूर है, तो बताया कि 20 किलोमीटर। वो बोल रहे हैं कि मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, चल मेरे साथ। भाई यार कैमरा वैमरा लिया हूँ, कैसे भरोसा करूँ। और जिधर वो लेके जा रहे थे उधर ऑटो वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने बोला कि भाई मुझे लेने के लिए कोई आ रहा, अभी फ़ोन आया मेरा, मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। अब देखता हूँ स्टेशन के बाहर निकल कर कि क्या होता है यार, बहुत गंदा वाला सीन हो गया मेरे साथ आज। आज से मतलब भाई सोलो ट्रिप पर ही भरोसा रखूँगा, ग्रुप वालों के साथ कभी नहीं। अभी से ही क्राउड आ गया है। और एक बात और कि गोवर्धन से बरसाना आने में आपको टैक्सी का किराया जो है वो 30 रुपये है। हाँ तो भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बरसाना पहुंच गया था तो अब बस से कहाँ जा रहा हूँ। तो कुछ देर पहले सावन जी का कॉल आया, उसने बोला कि भाई तू बरसाना कहाँ से चला गया, हम सब तो गोवर्धन सिटी में रुके हैं, तो फिर क्या हमें बस लेकर गोवर्धन आना पड़ा। तो भैया जी हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और ये रहा अपना रूम और ये रहा मेरा कैमरा, मैंने प्रॉपर पैक कर दिया है और फटाफट निकलते हैं। अबे पीछे आ रहा है प्यार, रुको रुको रुको, अबे आ गई हो, ये आ रही है। चलो 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 भाई, चलो चलो भाई चलो। हाँ
पिछले 1 किलोमीटर से हम लोग पैदल चल रहे हैं, बट ट्रैफिक क्लियर ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और निकलने में भी लेट कर दिया था हम लोग ने, पर भाई ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। ये देखो दर्शन कर रहे हो, ये ब्रजदुल्ला सरकार है। होली यहीं से प्रारंभ होती है। ठाकुर जी का नाम है ब्रजदुल्ला। ठाकुर जी का नाम ब्रजदुल्ला किस लिए पड़ा? जब वो बरसाना वाल वालों के साथ ठाकुर जी होली खेलने के लिए आ रहे हैं, जब होली खेलने के लिए ठाकुर जी आते हैं तो ब्रजगोपी देखती है बहुत सारे ग्वाल वाल मस्ती में रंग गुलाल अबीर उड़ाते हुए, बहुत सारे ग्वाल वाल आ रहे हैं और गोपियाँ कहती हैं इन्होंने हमारा माखन मिश्री खा के बड़ी ताकत इनके शरीर में है, जब होली में आएंगे तो हमारे साथ बलजोरी भी करेंगे, हमें रंग में डालेंगे, गुलाल हम पे डालेंगे, हमारे मुंह पर रंग मलेंगे। तो इनके लिए ब्रजगोपी ने एक प्लान बनाया कि इनके लिए लठ ले लीजिए लठ। तो सब ब्रजगोपियों ने उनसे बचने के लिए, उनकी ताकत से बचने के लिए बोले बल का प्रयोग करें तो लठ ले लीजिए। जब ठाकुर जी के लिए लठ ले लिया तो सारे ग्वाल बाल लठ को देख के भग जाते हैं। जब लठ को देख के ग्वाल बाल भग जाते हैं तो ठाकुर जी अकेले रहते रहते ये देखते हो ये क्या हुआ भाई, सारे ग्वाल बाल भग गए। तो ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी भी बिल्कुल डर के एक कंदरा में जाके तो भग जाते हैं। ब्रजगोपी देखती है अभी तो ग्वाल बाल बड़े गुलाल और ये मस्ती में आ रहे थे, अब गए कहाँ हैं, ढूंढिए इनको। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक कंदरा में जैसे आँख बंद करके और गर्दन नीचे करके ठाकुर जी दुबके हुए थे। तो ब्रजगोपी ने पकड़ा, कान पकड़ा और ब्रजगोपी कहने लगी चल दूल्हा चल, होली खेल नहीं है तुझसे। तो होली खेलने लिए कान पकड़ के और ठाकुर जी को बाहर निकाला। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम ब्रजदुल्ला पड़ा। अभी देखा आपने नंदगांव के सारे लोग अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे ब्रजगोपियाँ भी तैयार होके आ गई हैं और ठाकुर जी से अभी लाठी के हुदा मार के ठाकुर जी से अभी कहेंगे चल दूल्हा बाहर निकल। तो ये ब्रजदुल्ला सरकार है, बोलो ब्रजदुल्ला सरकार की जय। और होली के खिलैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया बरसाना के आपको दिखाते हैं लटमार होली और ये देख सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा भैया जी ये था बरताना का लठमार होली। और जिसमें सच बताऊँ तो मैं पहली बार आया हूँ और जो एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ भाई, मैं तो मतलब अपने प्रयागराज में जो लोकनाथ होली होती है भाई, इतना क्राउड मैं क्या ही बताऊँ। लोकनाथ होली सच बता रहा हूँ फेल हो गया आज। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई। सही है भाई, सही है भाई। ये मेरा मथुरा का पहला मतलब पहली बार मैं आया हूँ और मथुरा की होली में भाई मैंने हमेशा सुना था, बट सीरियसली सच बता रहा हूँ आपको, इतनी अच्छी होली होती है क्या ही बताऊँ। बट एक प्रॉब्लम मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक प्रॉब्लम जरूरी थी लड़कियों का भाई, लड़कियों के साथ मतलब बहुत गलत होता है और रंग रंग मतलब ऐसा डाल देते हैं भाई, क्या ही बताया जाए। सभी बज रहे हैं 8:30 और मैं आ चुका हूँ होटल जहाँ पर मेरा आज का स्टे है। और भाई गोवर्धन में मेरा स्टे है, एक्चुअली हुआ क्या था गोवर्धन में, जब मैं उतरा स्टेशन पर तो मुझे आना था गोवर्धन में ही जहाँ पे सब लोग रुके हुए थे, और मैं चला गया था बरसाने में क्योंकि सावन कॉल नहीं उठा रहा था, मुझे लगा कि सब बरसाने में ही रुके होंगे, होटल लिया होगा, बट इन लोग ने होटल इधर ही कहीं लिया हुआ था। और फिर जब मैं वापस वहाँ पर गया तो फिर इन लोग का कॉल आया कि भाई वापस आ जा, यहाँ पर होटल है, तो फिर मैं वापस आया। फिर देन उसके बाद हम लोग ने गोवर्धन से निकले तो इतना ट्रैफिक था कि हम लोग को बस आधे में ही छोड़ के पैदल जाना पड़ा पूरा, कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल गए। फिर वहाँ पर होली वगैरह इंजॉय किया। देन उसके बाद अभी जब शाम को आने लगे तो भाई साहब इतना खतरनाक सीन हुआ कि 7-8 किलोमीटर तक कोई भी ऑटो वाला जाने का तैयारी नहीं था गोवर्धन में, तो 7-8 किलोमीटर पैदल चले। फिर एक बहुत मुश्किल से मिला, फिर हम लोग आए और बस अब जा रहे हैं नहाने हैं, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, देन उसके बाद मिलते हैं कल मॉर्निंग में आपसे। और आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हर हर महादेव, राधे राधे, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।